शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वर कन्या आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए और फिर शुरू कीजिए। पंडित जी रुकिए रुकिए, बेटा सुबोध जाओ जाओ जाओ। जी बाबा। अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे फेरे थोड़ी होते हैं, ये तो शास्त्र विरुद्ध है। पंडित जी उस्ताद विश्वास की बेटी की शादी है, मोटरसाइकिल पे फेरे होगे, मोटरसाइकिल पे। बढ़िया मंत्र। ओ पंडित चुपचाप से शादी करा दे, नहीं अपने बच्चों की शादी कराने लग ना रहेगा तू। जी फेरे शुरू कीजिए। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। ये शादी नहीं हो सकती। पुलिस फोर्स जब से ज्वाइन किया है एक बार ये डायलॉग बोलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए निर्दोष भरोसे की धतिया उड़ा दी इसने। तो सब तुम्हारे बारे में सही कह रहे थे, हमें तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। पर पता है दुख हमें इस बात का नहीं है कि तुमने हमें धोखा दिया, दुख हमें इस बात का है कि तुम जैसे लोगों की वजह से वो लोग सही साबित हो जाते हैं जो इंसानियत और जज्बातों में भरोसा ही नहीं रखते, क्योंकि तुम उन्हें सच साबित कर देते हो और हम जैसे लोग फिर जज्बाती इमोशनल बेवकूफ लगने लगते हैं जो तुम जैसे झूठे लोगों की बातों में आकर तुम्हारी असली मक्कारी का शिकार हो जाते हैं। इस बात का हमें ज्यादा गुस्सा है। ना ना मैडम, ऐसी बात ना है। वैसे आपका नजरिया भी सही है, गलत ना है, मैंने आपके साथ धोखेबाजी की, लेकिन एक बार आप उसकी वजह जान लेंगी ना तो आप समझ जाएंगी कि वो मेरी मजबूरी थी, मर्जी ना थी। धोखा देने के लिए कोई भी वजह मायने नहीं रखती। बिल्कुल ठीक कही मैडम, पर मजबूरी के झूठ का वजन तो कम हो सके ना, और एक बार आप वजह जान लेंगी ना तो मेरा धोखा इतना बड़ा गुनाह ना लगेगा आपको जितना इस वक्त लग रहा। अच्छा मतलब एक और कहानी, एक और प्रपंच, एक और झूठ। हाँ क्या वजह बताओ। मैडम सर क्या आप भी फिर से। एक मिनट हम बात कर रहे हैं ना, वजह बताओ। मैं बताता हूँ, ये रिमझिम, मैं और रिमझिम आपस में बहुत प्यार करते, और ये मेरे गुरु विश्वास जी की बेटी। क्या? इन्होंने मेरे सामने शर्त रखी थी, अगर मैं इस शहर से 7 दिनों में 7 एक ही कंपनी की बाइक चुरा लूंगा तो ये अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मुझसे गलती हुई मैं मानता हूँ, पर सब फसाद की जड़ यही है, इन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, वरना ये मैं सब बाइक नहीं चुरा था। मतलब तुम ये चोरियां जबरदस्ती कर रहे थे। जी गुरुजी। और भाई को प्यार दिलाने खातिर मैंने मजबूर होकर इसका साथ दे दिया मैडम, और कसम खा रहा हूँ मैडम शादी होने बाद ना मैं खुद को सिलेंडर करने आने वाला था। मैडम जहाँ बजाय लालच ना है प्यार है, अब फैसला मैडम आपका है, आप इस अपराध को कानून की नजर से देखे हो कि जज्बात की नजर से। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.